भैया 10 रुपया है, लेकिन 700 रुपया पे 10 रुपया कम नहीं होगा। तो माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का आभार जताऊंगा, जिन्होंने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के लिए जकोल द देवका ट्रैक द ईयर की जो ये उपलब्धि दी है। तो ट्रैक द ईयर की तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। ट्रैक द ईयर की अपार संभावनाएं यहाँ पे, जैसे हमारा जकोल देवका ट्रैक द ईयर जो हुआ है तो इसमें बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। और क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे? स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ पे बेरोजगारी है और पलायन की दृष्टि से भी मतलब लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे, तो अगर रोजगार मिलेगा तो अप्लाई पे भी रोक लगेगी। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में है और सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि जखोल देवक्यारा को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोग यहाँ पे आए और ट्रैक करें, ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ये सब इसके लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हमारा आज पहला दल रवाना हो रहा है जिसमें 20 ट्रैकर्स हैं और इसी तरह के 3 दल और ट्रैक करेंगे पूरे महीने में। अच्छा सर, ट्रैक ऑफ द ईयर जो जखोल देवक्यारा हो रहा है, इस पर हमारे जो कम से कम ये लगा लो पूरे 42 गाँव के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसके लिए मैं हमारे जो है जो GMBN वाले या पर्यटन विभाग है इन लोगों को अपनी ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमें चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से, मीडिया एवं हमारे जो पर्यटन विभाग है और GMBN के सहयोग से, हम चाहते हैं कि इस देवक्यारा पर्यटक जो ट्रैक का हमारा, इसको जो आगे बढ़ाव किया जाए। हम जो इधर जो है जकोल से ऊपर हम 22 गांव है जिसमें हमको जो है बहुत अच्छा लगा। आज जब हमारे पहली बार हमारे गांव में पर्यटक आया तो हमको बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम ये चाह रहे कि हम बेरोजगार लोग हैं, हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, आय के भी कोई साधन नहीं है, थोड़ा सा राजमा आलू होता है, बाकी कुछ नहीं बनता है। हम जो है गरीब लोग हैं और हमारे यहाँ एक से एक ऐसी पहाड़ियाँ हैं देवक्यार, जो कि उत्तराखंड की बहुत बड़ी अच्छी पर्यटक चल सकती है। वहाँ एक से एक पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ है, ग्लेशियर है, मतलब जो है वहाँ जो है बहुत अच्छे बुग्याल है, देखने लायक चीज़ें हैं। इस जखोल और इसके अगल बगल के गांव में होम स्टे के लिए बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। होम स्टे गवर्नमेंट एक योजना चला रही है जिसमें आप एक छोटे से एकोमोडेशन में बेसिक एमिनिटीज़ दे के और पर्यटकों के रहने की व्यवस्था कर सकते हैं और उससे रोजगार की भी जो स्थितियाँ हैं वो पैदा होती है। सर यहाँ पे एक तो जैसा लोगों को जो है होम स्टे लोगों के पास है, होम स्टे में रोज़गार मिलेगा। दूसरे में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, हमारे यहाँ से लोग जो है ये यात्रा सीजन में जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, तो अगर हमारे पे अगर देवक्यार वाले जो रूट हमारा जो है अच्छा चलेगा तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसके साथ साथ जो है यहाँ का जो स्थानीय आदमी वो पलायन भी नहीं होगा।